अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है राहत फैसल और आज का हमारा टॉपिक है मीरपुर ढाका बांग्लादेश, जिस पे हम रिएक्शन करने वाले। जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ रोजाना होते हैं मिस्टर बिलाल रिएक्शन में, तो वो आज किसी काम से गए बाहर, तो आज हम करेंगे रिएक्शन अकेले। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत तेजी से जा रही है ना, जब स्लो होगी तो पता लगेगा। मीरपुर इस चैनल को भी जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। शकीब उल आलम वीडियो में मेरे ख्याल में VFX का यूज किया गया है, जिस तरह वीडियो बनाई गई है ना, बिल्कुल जिस तरह मूवीज में होता है उसी तरह की बनाई गई है। सिनेमैटिक शॉट लिए गए हैं। जलेबी बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई गई है, अब जिस तरह मूवीज में होती है ना, बिल्कुल उसी तरह के वो शॉट लिए गए। ओवरऑल सिटी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब ग्रीनरी भी है और बिल्डिंग्स भी है ओवरऑल साइडों पे। मेट्रो ट्रेन स्टेडियम, ये बसेस जो बिल्कुल सादे हैं, मतलब उस पर कोई ना वो कलर कितना हुआ है या इस पर डिजाइन भी कोई नहीं है। अगर कोई नॉर्मल वीडियो होती है ना तो उसमें हमें हर चीज़ वो नज़र आ जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी वो मूवी टाइप वीडियो है तो इस तरह वो हमें समझ नहीं आ रही ना सही तरीके से। ये मेट्रो ट्रेन का वो पुल है, वेरी नाइस यार, क्या ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा प्यारा, ब्यूटीफुल, ओह वेरी नाइस, ओवरऑल ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा। मेट्रो ट्रेन ये कोई अपार्टमेंट है मेरे ख्याल में, अपार्टमेंट्स। वो स्पोर्ट्स मेरे ख्याल में स्पोर्ट जिधर होता है ना, स्पोर्ट्स क्लब जिसे कहते हैं, या इस तरह का वो ग्राउंड है जिधर आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह भी खेल सकते हैं। सिटी एक स्मॉल सिटी है मेरे ख्याल, लेकिन मॉडर्न सिटी है, मतलब हर चीज़ आपको मिल सकती है वहाँ पर, ग्राउंड भी है, होटल्स भी है, तो एक मेट्रो ट्रेन जो स्पेशली वहाँ पर अवेलेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वीडियो को यार क्या बनाया गया है, बिल्कुल मूवी की तरह। जिसने भी वीडियो बनाई है बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियो बनाई है, वेरी नाइस, बहुत ज्यादा जबरदस्त।
Yes, this is the city where glorious histories have been made. The city that always happening with bonds and happiness. The city one step ahead in country stress of development. Metrorail, a new representation for our zooming development. Thanks to Bangladesh government for the constant effort in shaping our developed future. Every city is beautiful with its own history and identity. जी दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाई गई है। खासकर इसमें जो इफेक्ट्स यूज किए गए हैं, बिल्कुल मूवीज की तरह, जो मूवीज में होते हैं उसी तरह के इफेक्ट्स यूज किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि मीरपुर सिटी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आपको ग्रीनरी भी, बांग्लादेश की सबसे खास बात यह है कि वो आउटस्टैंडिंग ग्रीन है। अगर आप उसके हर सिटीज पे रिएक्शन करें, हर सिटी को देख लिए, तो ग्रीनरी आपको हर जगह पे नजर आएगी। जिस तरह से उसे मेंटेन किया गया है, तो वहां पर जो है एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। दूसरी बात यह है कि हमें इस सिटी में खास बात ये लगी कि इसमें जो है मेट्रो ट्रेन भी जो है वो आपको नजर आता है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी बांग्लादेश की सिटी कवर किए तो उसमें हमें जो है मेट्रो ट्रेन नजर नहीं आया। हमें ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये मेट्रो ट्रेन जो है ये स्टार्ट हुआ है या अभी भी ट्रायल बेसिस पे है। दूसरी बात यह है कि इस पे आपको, इसमें आपको होटल्स भी मिलेंगे एंड हर चीज आपको फैसिलिटीज जो चाहिए होता है एक विजिटर को, तो वहां पर आपको हर चीज मिलेगी। इसमें ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है। तो ओवरऑल सिटी मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगी। बांग्लादेश की सिटीज पे अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन किए हैं तो सब सिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, प्यारी है। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।